आज हम लोग एक नया ओएस क्रोम ओएस के बारे में देखेंगे। एडवांस फीचर्स है क्रोम ओएस का, बहुत अच्छा फीचर्स है। एंड्रॉयड जैसा फीचर्स ये क्रोम ओएस में है। तो ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं वेब स्टोर, वेब स्टोर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं आप सर्च द स्टोर है। सर्च द स्टोर पे आप लोग क्रोम CHROME क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी, क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी टाइप कर लीजिए। क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी टाइप करने के बाद एंटर करिए। यहाँ पर क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी आ गया। वो एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो उस पर क्लिक कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशंस ओपन करके सेव टू गूगल ड्राइव टाइप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते सेव हो गया। वो सेव होने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगी। देखिए यहाँ पर क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड, यू नीड 8 GB और उससे ज़्यादा पेन ड्राइव रहना चाहिए और मैं 16 GB का इंसर्ट करी। यहाँ पर सेलेक्ट ए मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पर गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स पे क्लिक कर लीजिए। गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स पे क्लिक कर लीजिए और नीचे क्रोम ओएस फ्लेक्स पे क्लिक कर लीजिए और कंटिन्यू। यहाँ पर सैंडिस्क क्रजर ब्लेड 14.6 GB है, वो मेरा पेन ड्राइव है। शो एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ पर स्टेबल कर लीजिए। क्रिएट नाउ, स्टेबल करने के बाद कंटिन्यू। डोंट रिमूव योर रिकवरी मीडिया, डोंट रिमूव योर रिकवरी मीडिया। थोड़ा टाइम लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस योर रिकवरी मीडिया इज रेडी, यू कैन रिमूव योर रिकवरी मीडिया नाउ। ओके, तो अब हमारा सिस्टम को हम लोग रिस्टार्ट करना पड़ेगा। EFI सिस्टम डी, मेरा पेन ड्राइव जो है वो अब मेरा सिस्टम पेन ड्राइव में आ गया। वो क्रोम ओएस का मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और यहाँ पर रिस्टार्ट कर लीजिए। सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर सिस्टम में आप लोग एस्क क्लिक करते हुए रहना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रोम ओएस फ्लेक्स आ गया, देख लीजिए क्रोम ओएस फ्लेक्स आ गया। यहाँ पर टर्न ऑन स्क्रीन रीडर क्लोज, वेलकम टू क्रोम ओएस फ्लेक्स आ गया, देख लीजिए। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर फॉर पर्सनल यूज़, अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़, नेक्स्ट। और यूज योर गूगल अकाउंट क्रोम बुक, नेक्स्ट। यहाँ पर कैलेंडर देख सकते हैं आप लोग, सेटिंग्स देख सकते हैं, वॉल्यूम है, सेटिंग्स है और साइन शटडाउन का ऑप्शन आ गया और इथरनेट कनेक्टेड है, एक्सेसिबिलिटी है और वाईफाई है, इथरनेट का जो भी है बहुत सारे ऑप्शंस है। एक्सेसिबिलिटी में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हैं। यहाँ पर बैटरी फुल और यहाँ पर आप लोग मेल आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा। मेल आईडी मैं दे रही अभी, लोडिंग। यहाँ
यहाँ पर रिवाइज द टर्म्स एंड कंट्रोल योर डेटा, तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। और सिंक योर क्रोमबुक, तो यहाँ पर सिंक रिवाइव सिंक ऑप्शन है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, हम लोग एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ही करना होगा ये क्रोम जो ओएस फ्लेक्स है वो यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर हेलवेल पैक्ड पिक्सल 2 मैं सेलेक्ट कर ली और नो थैंक्स, चूज़ मोर फीचर्स। यहाँ पर टच पैड अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट थीम्स है, यहाँ पर थीम्स जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मेरा मोबाइल थोड़ा इश्यू है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आया यहाँ से, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करना चाहती। और यू रेडी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं ऐप्स एंड गेम्स फॉर योर क्रोमबुक। अगर आप लोग कुछ गेम्स खेलना चाहते तो यहाँ पर गेट माइनक्राफ्ट नो कॉस्ट ऑन योर क्रोमबुक, फ्री में माइनक्राफ्ट आप लोग खेल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारे एडवांस फीचर्स है इसमें, अगर आप लोग भी ये यूज़ करना चाहते तो ये, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, न्यू टेक्निक लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।